हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे उन देशों के बारे में जहां पर समलैंगिकता को गैरकानूनी समझा गया है, और उन देशों के बारे में भी जहां पर समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दे दी गई है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि धारा 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और इसको लेकर आए दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा भी हो जाता है। धारा 377 को लेकर पहले भी मैंने दो वीडियो बनाई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उन वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। समलैंगिकता को अपराध के तहत लाने वाली संविधान की धारा 377 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सुनवाई चल रही है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कर रही है। पीठ में 5 जजों में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा 4 और जज हैं, उनमें एफ आर नरीमन, ए एम खनविलकर, डी वाई चंद्रचूर और इंदु मल्होत्रा शामिल हैं। इस मौके पर आज हम बात करने जा रहे हैं उन देशों के बारे में जहां पर समलैंगिक संबंध कानूनी रूप से सही हैं, और उन देशों के बारे में जहां पर समलैंगिक होना अपराध है। कई देशों में तो इसके लिए आरोपी को मौत की सज़ा भी दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उन देशों के बारे में जहाँ पर समलैंगिक होने पर मौत की सज़ा सुनाई जाती है। सूडान, ईरान, सऊदी अरब, यमन में गे सेक्स के लिए मौत की सज़ा दी जाती है। सोमालिया और नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में भी गे सेक्स के बदले मौत की सज़ा लोगों को मिलती है। हालांकि दुनिया के कुल 13 ऐसे देश हैं जहां पर गे सेक्स को लेकर मौत की सज़ा देने का प्रोविज़न है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर में भी मौत की सज़ा का प्रोविज़न है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जाता। इंडोनेशिया सहित कुछ ऐसे देशों में गे सेक्स के लिए कोड़े मारने की सज़ा दी जाती है, वहीं और दूसरे देशों में इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए जेल की सज़ा दी जाती है। चलिए जानते हैं कि किन देशों में समलैंगिकता को मान्यता मिली हुई है। बेल्जियम, कनाडा, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ब्राज़ील, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, लक्ज़मबर्ग, फिनलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, जर्मनी और माल्टा में समलैंगिक शादियों को मान्यता मिल चुकी है। नीदरलैंड ने सबसे पहले दिसंबर 2000 में समलैंगिक शादियों को कानूनी तौर से सही करार दिया था। 2015 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों को वैध करार दिया था। 2001 तक 57% अमरीकी लोग इसका विरोध करते रहे। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2017 में 62% अमेरिकी इसे सपोर्ट करने लगे थे। वहीं दुनिया के 26 ऐसे देश हैं जो समलैंगिकता को कानूनन सही करार दे चुके हैं। पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारी बहुमत में इसे मान्यता दी थी। ऑस्ट्रेलिया के 150 सदस्यों में से संसद के 4 सदस्यों ने ही समलैंगिक शादियों के खिलाफ वोट किया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना उन देशों के बारे में जहां पर समलैंगिकता को गैरकानूनी समझा गया है, और उन देशों के बारे में भी जाना जहां पर समलैंगिकता को सही करार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप लॉ से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके मनपसंद टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।